सप्ताह के अंदर और जय जिकड़ी भजनों का रंगा रंग प्रोग्राम चल रहा है। और तेज सिंह चाचा जिसके संचालन करता श्रीमान श्रीमान चैन सिंह जी भोतार जी और जो इसके रिकॉर्डिंग करता मेरे बड़े भाई देशबाल डीजे साउंड कठुमर से और जो ढोलक पर नजर आ रहे हैं बड़े भाई गुड्डू सोनेरा भरतपुर से और जो इसके गायक कलाकार चंद्रवीर गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से आइए एक और धमाका। परमादरणीय श्रोता बंधु कृपया शांति से सुने शांति बनाए रखे। प्रांगण में विराजमान जितने भी जिकड़ी के शौकीन श्रोता आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार वह गंगा जमुना के पवित्र जैसी मेरी माताएं बहनाएं और इस मंच पर जितने ही मंचासीन बैठे हुए हैं आप सभी के श्री चरणों में चंद्रवीर गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की तरफ से हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार वो राम राम साहब। श्रोता सभी कलाकार बारी बारी से अपना परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं और सभी गाने वाले नहले पर दहला है लेकिन मैं तो उनके जो चरणों की रज हुआ करती है यानी धूल हुआ करती है उसके बराबर भी नहीं हूं। लेकिन आइएगा जैसे कमेटी का आदेश सुनिएगा। निवेदन गहराई से सुनिएगा। आप जैसे बुद्धिजीवियों ने चार लाइनों में जवाब दिया है सजाब दिया है और देखो अब ये भाई लाली गह रही और अब तुम्हारा लल्लू गह रहे हैं लेकिन श्रोता क्या एक दिना की बात सखी और वो श्याम लला मेरे घर आए मैं समझी कोई संगी को सखा जल्दी से मैंने घूंघट को पट सरकायो इतने में वो चले जो गए और एक सखी ने मोए आई बतायो कि आगे लगो अखियां भर श्याम मैंने देखी नहीं। श्रोता कमेटी का आदेश अब कि मंच पे बैठे जो कह रहे हैं साखी सुना दे लेकिन श्रोता साखी सुनिएगा। ये अच्छे श्रोताओं की पहचान हुआ करती है जो जिकड़ी की मैन धरोहर जिसे जिकड़ी की जननी बोला जाता है वो साखी हुआ करती है।
आइएगा, साखी सुनिएगा और साखी को अध्यात्म में लीजिएगा। भैया जी गुड्डू जी आइएगा। हो और मैया मेरो गोनो तोरी कराय दे। लेकिन कभी भी बेटी अपनी मां से शादी के बारे में नहीं बोलती है। लेकिन कौन सा गाना आए निन्हा मेरे भारता और ये 500 रुपए से पुरस्कार मेरे बड़े भाई देते हैं, बार बार धन्यवाद। लेकर गुड्डू भैया जी Okay.
इसी बीच चाइना सरपंच जी एक सेकंड में पुरस्कार देते हैं, और इसी बीच मेरा छोटा भाई आपके क्षेत्र की आन बान शान जिन्होंने चार छह जिलों के अंदर अपना नाम कर रखा है, मेरा अजीज मित्र, मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई भूपेंद्र, कैमरे का आशीर्वाद देता है, बार बार धन्यवाद देता हूं भाई को। लेकिन श्रोताओ आइएगा, एक अच्छी सी कहानी के अंदर चलते हैं, एक अच्छे से प्रसंग की तरफ चलते हैं। गुड्डू भैया जी, आप लोगों ने जूनागढ़ राजधानी का नाम सुना होगा। किसका नाम? जूनागढ़ राजधानी। जूनागढ़ राजधानी के अंदर, हाँ जी, एक चित्रगुप्त नाम का राजा राज करता था। किस नाम का राजा राज करता था भैया जी? चित्रगुप्त, जिसके एक बेटा था जिसका नाम था मदन सेन, उसके एक रानी थी जिस रानी का नाम था चंद्रप्रभा। आज वो राजा अपने बेटा मदन सेन को और राज का उत्तरदायी बना देते हैं। और इसी बीच एक से एक रुपए का पुरस्कार मेरे काका नेम सिंह जी नंगला होशियार से देते हैं, खुशियाल से, सॉरी भी, एक से एक रुपए का पुरस्कार देते हैं, बार बार धन्यवाद। आज राजा मदन सेन को और राज का उत्तरदायी बना दिया, यानी राज का अधिकारी बना दिया, यानी राज पाठ से दिया। लेकिन राजा जन जन से पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा मदन से राज कैसा चला रहा है? प्रजा ने मना किया, राजा तुम्हारा बेटा राज अच्छा नहीं चला रहा है, अच्छा नहीं चला रहा है। हाँ, महलों में वापस आए और बेटा मदन सेन को बुलाया, कहा बेटा मदन सेन, मैं तुम्हें 12 साल का देश निकारा देता हूं। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया पिताश्री, मुझसे कोई भूल, कोई गलती? हाँ, अरे तुमने मेरी प्रजा को दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। क्या दिया है? दुख दिया है। महलों में वापस आए, रानी चंद्रप्रभा से कहा, रानी तुम इन महलों में रहना और मेरे माता पिता की सेवा करना। रानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्राणनाथ सात फेरे डालकर आपके साथ आई हूं, सेवा करना आपकी मेरा कर्तव्य है, और आप कहते हो इन महलों में रहना, कदाचित नहीं। आज वो रानी चंद्रप्रभा और राजा मदन सेन को जवाब दे रही है। और गुड्डू भैया जी, क्या जवाब दे रही है? और मैं तो देता निकारनी करूंगी सेवा, और मैं पतबिरता नारी, और मत कर पिया तंग, चलूंगी तेरे संग में बल महजा।
जवाब नहीं। आप लोगों ने सुने होंगे जो झिकड़ी की मैंदुरी, जो झिकड़ी के सम्राट आदरणीय राजवीर सिंह पहाड़ी वाले, सुने होंगे आप सबने, उनके साथ 10 साल अपनी ढोल की बात की। लेकिन भैया जी, रानी जवाब दे रही है, करके देखो तोरा नरक में तोरा मिले नहीं, करके देखो तोरा नरक में तोरा मिले नहीं मोकू, ना चाहिए तेरा मेहनत मेला साच बताए रही क्या पैदल पैदल चल रहे दोनों, क्या पैदल पैदल चल रहे दोनों, विकट बनी में आए हैं और थक के चकना चूर भये फिर आपस में बता आए हैं, क्या थोड़ी देर, क्या थोड़ी देर प्यासस तालो ईबर गद की छैया और जोड़ू हाथ पड़ू त्यारे। रानी जवाब दे रही है, प्राणात बहुत तेज धूप है, लेकिन वो राजा और क्या करने है गुड्डू भैया जी। रोने की जाने चीख सुनी तो, क्या रोने की जाने चीख सुनी तो मदन सेन फिर जागा है। और मदन सेन को देख के बिसियर इत बित को फिर जागा है, क्या थोड़ी भैया जी, क्या निकरे झागा, क्या निकरे झागा, नार के मुखते तड़फ के मर गई रानी। और आगे की सुनो श्रोता, आज वो रानी चंद्रप्रभा इस दुनिया से विदा हो जाती है, लेकिन सुनेंगे श्रोता, आज वो राजा मदन सेन
और रो रहा है। और गुड्डू भैया जी कैसे रो रहा है सुनिएगा। राजा मदन सेन रानी की लाश को और गोदी में ले लेते हैं, लेकिन बारहमासी आ रही है आपके सामने। और गुड्डू भैया जी सुनेंगे अरे ले गोदी में लाश। निवेदन करूंगा आप सभी से, जितने भी झिकड़ी के शौकीन श्रोता बैठे हुए हैं, मेरी कथा आपकी समझ में आ रही है ना आ रही? बहुत अच्छी बात, ये अच्छे श्रोताओं की पहचान हुआ करती है। अरे ले गोदी में लाश और जिगर दे लगाए लई रानी, कोई गंगा यमुना की धार द्रगन ते बह रहे पानी। सबके लिए बराबर और सभी गाने वाले बहुत ही अच्छी अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं और गाना सभी गाने वाले सुना रहे हैं, लेकिन एक गाना भैया जी नया सुनाऊंगा आपको। भैया जी अभी अभी आपने सुना होगा हमारा भाई अकोला का शहीद हुआ था,
हमारा किसान दिल्ली के अंदर पड़ा हुआ है और हमारा जवान सीमा पर खड़ा है, लेकिन चंद लाइनों में और वो जवान जवाब दे रहा है। और जितने भी श्रोता पांडाल के अंदर है ना, सभी से निवेदन करूंगा, अगर मेरी बात अच्छी लगे आपको तो उस भाई के लिए तालियों का स्वागत दे देना। मेरी बात सुन के आज वो मेरे देश का जवान क्या जवाब दे रहा है। और वंदे मातरम लिख कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। वंदे मातरम लिख कर इस पर तुम राष्ट्रीय गान लिखा देना। और आपके समक्ष लाइन ऐसी आ रही है आप ताली रोक नहीं पाओगे। और मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर हिंदुस्तान लिखा देना। वंदे मातरम कर इस पर राष्ट्रीय गान लिखा देना। बहुत अच्छे, चाचा जी देते हैं बार बार धन्यवाद। लेकिन श्रोता उस मां से पूछिएगा जो 9 मास अपने गर्भ के अंदर रखती है, जिस मां ने हमको जन्म दिया दुख दर्द हजारों सह दिए, जिस कोई कहे हिंदुस्तान की है,
दी, कोई कहे हिंदुस्तान की है। और डैम सिंह चाचा मैं क्या बोल रहा हूं और आप सभी लोग क्या बोल रहे हो, कोई कहे ये चीन की धरती, कोई कहे हिंदुस्तान की है। जिस पर हमने जन्म लिया, जिस पर